हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोगों की चर्चा चल रही थी यूनिट 6 को लेकर के, और हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं दो तीन टॉपिक्स पे। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है हम लोगों का, वो है आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के बारे में। ये टॉपिक लंबा है, तो मे बी ये दो या तीन लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को जो MCQ बनाने हैं या डिस्कस करने हैं, या जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, वो किन किन डायमेंशन से आ सकते हैं, ख़ास तौर पे इन दो टॉपिक से। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा के देखेंगे तो भी आप ये पाएंगे कि RBI से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो MPPSC हो, अदर एग्ज़ाम्स हों, ये इकोनॉमी सेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो बैंकिंग महत्वपूर्ण हो जाता है। बैंकिंग को इसीलिए किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और इसकी जानकारी होनी ही चाहिए किसी भी विद्यार्थी को जो कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग किन किन डायमेंशन को कवर कर सकते हैं MCQ के अंतर्गत, और जिससे कि ये संभावना बढ़ जाएगी कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे वहीं से आएगा। तो थोड़ी सी चर्चा इस बात पे कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे RBI से के बारे में। देखिए, RBI का एक डायमेंशन है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि स्थापना कब हुई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या यूं कह लीजिए कि हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। जिसके अंतर्गत एस्टैब्लिशमेंट, तो हम लोग को पता है कि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी बाय RBI एक्ट 1934, अंग्रेजों का समय था ये। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, एक कमीशन का गठन किया था अंग्रेजों ने 1926 में हिल्टन यंग की अध्यक्षता में। उस कमीशन ने सिफारिश दी थी कि भारत के लिए एक अलग से सेंट्रल बैंक का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि तब तक, जब तक RBI का निर्माण नहीं किया गया, तब तक उस समय इंपीरियल बैंक हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बीच में। वो सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता था, मुद्रा जारी करने का काम करता था, या जो भी सेंट्रल बैंक के कार्य होते हैं वो करता था। तो हिल्टन यंग कमीशन ने पहली बार सिफारिश की थी कि देयर शुड बी अ सेंट्रल बैंक। तो उसी की सिफारिश में 1934 में RBI एक्ट पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय उस समय पे कोलकाता, जो आज क्या कहलाता है, तब कलकत्ता कहा जाता था, वहाँ स्थापित किया गया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 1937 में इसका मुख्यालय कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके मुंबई कर दिया गया, जो कि अभी भी है। तो ये बेसिक जानकारी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हो गई। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि इसका जो इनिशियल पेडअप कैपिटल था, जब किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल के साथ स्टार्ट किया जाता है। RBI जब की जब स्थापना की गई थी, तो इसकी जो शुरुआती चुकता पूंजी थी या पेडअप कैपिटल था, जो शेयर्स दिए गए थे, वो थे 5 करोड़ रुपए। तो एक चीज़ और याद रखना है कि शुरुआती चुकता पूंजी या इनिशियल पेडअप कैपिटल, इनिशियल पेडअप कैपिटल कितना था, 5 करोड़ रुपए मात्र, किसकी, RBI की। यह प्रश्न भी बन के आ सकता है। और इसमें से अधिकांश जो शेयर थे वो प्राइवेट लोगों ने खरीदे हुए थे, यानी कि मूलतः ये एक प्राइवेट बैंक था। तो ये भी प्रश्न आता है कि मूलतः RBI किस तरह का था। बाद में इसका 1949 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1 जनवरी 1949, ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन किया गया, RBI वॉज नेशनलाइज्ड, यानी RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है क्यों, क्योंकि तब एक प्राइवेट बैंक था, इसका जो शेयर था वो ज़्यादातर प्राइवेट लोगों के हाथों में था, और भारत की आज़ादी के बाद सेंट्रल बैंक प्राइवेट लोगों के हाथ में कैसे हो सकता है, क्योंकि वो फिर प्राइवेट फायदे के लिए नीतियाँ बनाते।
तो इसलिए सरकार के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, यानी कि पूरी की तरह से ये इसका जो स्टेक है या इसका जो शेयर्स हैं, इसकी जो मालिकाना हक है वो सरकार के पास आ जाए। इसीलिए 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये डेट भी पूछ लिया जाता है, एक इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा नेशनलाइजेशन की डेट। इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे एमसीक्यू में। दूसरा जो अगर मैं बात करूं पृष्ठभूमि, इससे डायमेंशन हम लोग कवर करना चाहिए हम लोगों को, वो हो जाता है कि इसका जो प्रशासन है, इसका जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस ऑफ आरबीआई, या यूं कहिए एडमिनिस्ट्रेशन आरबीआई का कौन देखता है, कौन से वो लोग हैं जो इसको संभालते हैं, या इसकी संरचना जो कह सकते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए याद रखना अपने को कि आरबीआई इज एडमिनिस्टर्ड, या इसका जो प्रशासन है वो 21 सदस्यीय निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। 21 सदस्यों वाले निदेशक मंडल के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है ना। 21 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, होते हैं। ये हो गए कुल 5। इसके अलावा 10 मेंबर्स जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, टोटल हो गए 15। 4 जो होते हैं मेंबर ऑफ रीजनल बोर्ड्स, यानी 4 क्षेत्रीय जो बोर्ड हैं, कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ से एक एक मेंबर आते हैं यहाँ पे, वो भी सरकार ही उनको अपॉइंट करती है इन क्षेत्रों से। तो आप देखेंगे 4, 1, 5, 10, 15, 4, 19, और 2 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, तो प्लस 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पहले एक ही होता था, बाद में इसको बढ़ा करके 2 कर दिया गया। तो टोटल 21 सदस्यीय निदेशक मंडल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो आरबीआई का प्रशासन संभालते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वो कौन होता है, गवर्नर, जो कि अभी कौन है, श्री शक्तिकांत दास। अब यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे, ऐतिहासिक जानकारी है, तो ये भी याद रखिएगा पहले जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। इसी में ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। करेक्ट। फिर ये एक प्रश्न बन सकता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, यानी कि भारतीय मूल के, यानी पहले भारतीय जो कि आरबीआई के गवर्नर बने, तो वो थे सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो वो थे श्री सीडी देशमुख। जो कि 1942 से 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। ठीक। तो ये भी एक बेसिक जानकारी है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। और वर्तमान का पूछा जाता है तो वो तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में आता है, मैगजीन्स में आता है, जब भी आरबीआई कोई मेजर स्टेटमेंट जारी करता है तो वो गवर्नर के माध्यम से ही किया जाता है। तो वर्तमान का श्री शक्तिकांत दास, एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा डायमेंशन है आरबीआई से रिलेटेड वो है फंक्शंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो जनरल एक फंक्शंस में आप लोगों को लिख के बता देता हूँ।
जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू तो डिटेलिंग उसके बारे में कर लेंगे। जैसे मुद्रा जारी करना, इशू करेंसी, प्रोवाइड्स लाइसेंस टू बैंक्स, बैंकों को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि बैंकों को लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है कि वो बैंकिंग गतिविधियां करें, वो काम करता है आरबीआई। फिर रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार का नियमन करता है, उसके लिए नियम बनाता है और ध्यान रखता है, मॉनिटरिंग करता है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं मनी मार्केट का। फिर फॉर्मूलेट मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति हिंदी में कहते हैं, मौद्रिक नीति का निर्माण करना उसका एक महत्वपूर्ण काम है। को बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, इसका तात्पर्य यह है कि जब बैंकों को जरूरत होती है लोन की तो किससे लेंगे, आरबीआई से लेते हैं, और बैंक अपना पैसा जो है आरबीआई में जमा करते हैं, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं या अदर बैंक्स हैं वो अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उससे उधार लेते हैं, इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा इसको गवर्नमेंट्स बैंक भी कहते हैं, या गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का रूप में कार्य करता है। गवर्नमेंट्स बैंक, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, यानी भारत सरकार को जब भी लोन की ज़रूरत होती है तो ये उसके लिए प्रोवाइड करता है। भारत सरकार के जो धन है उसका प्रबंधन भी आरबीआई ही करता है। और ऐड कर लें अगर इसमें हम लोग तो सिक्स्थ फंक्शन हो जाएगा फॉरेक्स मैनेजमेंट, यानी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। इसके लिए फेमा 1999 है। रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व आईएमएफ और विश्व बैंक में करता है। ठीक है, पब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं आरबीआई के जो हम लोगों को समझना चाहिए, और इससे रिलेटेड वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या अपडेट्स हैं, वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया ताकि जब हम लोग एमसीक्यू कवर करें या जब भी पढ़ना चाहें आप किसी बुक से या किसी मैगजीन से या किताब से, तो आप इन इन डायमेंशंस को ज़रूर ध्यान में रखें, याद रखें, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोगों का एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें क्या क्या प्रश्न रखे गए हैं, और उसको सॉल्व करते वक्त हम लोग डिस्कस करेंगे उससे संबंधित डिटेल्स को। सिलेबस में देखिए ये लिखा हुआ था, इसीलिए इसको लिया गया है। ये देखिए वाणिज्यिक बैंक को भी, हालांकि स्लाइड में आपने देखा होगा वाणिज्यिक बैंक भी लिखा हुआ है, बट उसको अलग से कवर करेंगे।
तो पहला एमसीक्यू है आज का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत सिंपल है, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया और आप लोगों ने याद भी करके रखा होगा 1935 को। अगर कभी कभी हो सकता है डेट पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को। कभी एक्ट पूछा जाए तो भी ध्यान रखना, एक्ट किस अधिनियम के द्वारा, 1934 आरबीआई अधिनियम के द्वारा। आरबीआई का प्राथमिक कार्य क्या है? देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना है, अभी हम लोगों ने देखा फॉरेक्स मैनेजमेंट, करेंसी नोट जारी करना, बिल्कुल इशू करेंसी करता है, वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित करना यानी रेगुलेट जब करता है पूरे बैंकिंग सेक्टर को, तो बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक भी आते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी जो हैं आरबीआई के प्राथमिक कार्य हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? बहुत सिंपल, शक्तिकांत दास। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे आरबीआई के ऑफिस में या कभी इंटरनेट पे देखिएगा, आपको दिखेगा एक बाघ और उसके पीछे एक ताड़ का पेड़ या वृक्ष, तो एक बाघ और ताड़ का वृक्ष, ये दोनों ही सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। पहले लॉयन हुआ करता था, उसको बदल करके बाघ कर दिया गया। आरबीआई का मुख्यालय कौन सा शहर है? वर्तमान की बात की जा रही है तो मुंबई। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? आप लोगों को पता होगा हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा जारी किया, डिजिटल मनी जारी किया, जिसको नाम दिया गया है ई रूपी। क्या? ई रूपी। पेटीएम और फोन पे आप जानते हैं कि वॉलेट हैं, डिजी कैश भी ये नहीं है, ई रूपी सही आंसर है। आरबीआई नियमों के अनुसार भारत में एक नए बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता क्या है? प्रश्न का मतलब ये है कि अगर कोई नया बैंक ओपन कर किया जा रहा है तो उसके पास कितना पेडअप कैपिटल होना चाहिए, यानी शुरुआती पूंजी कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो न्यू बैंकिंग लाइसेंस पॉलिसी के अनुसार इसका जो सही आंसर है वो है 500 करोड़ रुपये। करेक्ट, 2013 में न्यू बैंकिंग पॉलिसी जारी की गई आरबीआई के द्वारा और पहले 100 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद इसको कर दिया गया 500 करोड़ रुपये, सॉरी 200 करोड़ हुआ करता था, अब 500 करोड़ कर दिया गया न्यू बैंकिंग लाइसेंस पॉलिसी के अनुसार। और इसी के आधार पर दो बैंकों का सृजन हुआ, निर्माण हुआ, दो नए बैंक आए, आप लोगों को ये पता होगा शायद, बंधन बैंक और IDFC बैंक, ये दोनों सबसे नवीनतम बैंक हैं, इनकी शुरुआत 500 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ की गई है। तो सही आंसर है 500 करोड़ रुपए, अगर किसी को बैंक ओपन करना है तो उसके पास 500 करोड़ रुपए होने चाहिए, भले ही वो शेयर्स के रूप में क्यों ना बांटे गए। और इसमें डिटेल्स भी है कि मिनिमम 40% जो होना चाहिए वो तो प्रमोटर्स के पास होना चाहिए शुरू शुरू में। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का क्या नाम है? 2016 में, ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है, कब? 2016 में, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, इसको MPC कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI से और 3 गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। वित्तीय नीति समिति, मौद्रिक नीति परिषद, रिजर्व बैंक, मौद्रिक समिति और उपरोक्त में से कोई नहीं। इन ऑप्शंस को देखने के बाद तो यही आंसर होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है मिस्टेक की गई हो, इसका सही आंसर होना चाहिए था मौद्रिक नीति समिति ही कहा जाता है उसको। अगर ये ऑप्शंस आते हैं तो इनमें से कोई नहीं आएगा।
बैंकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सीएमएस, सीआरएमएस, सीएमएस पोर्टल, आरबीआई शिकायत पोर्टल। इसका सही आंसर है सीएमएस, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा https.cms.rbi.in पर और अपनी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं किसी भी बैंक से संबंधित। एक और सुविधा है हम लोगों के पास, लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल के बारे में भी ध्यान रखिएगा। बैंकिंग लोकपाल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आरबीआई के रीजनल ऑफिसर्स जैसे होते हैं, जैसे भोपाल में, एमपी के लिए भोपाल में बैठते हैं। किसी भी ग्राहक को अगर बैंक से संबंधित कोई शिकायत करनी है तो वो अपनी सीधे शिकायत जो है बैंकिंग लोकपाल को एक कागज़ पे भी लिख के भेज सकते हैं, सीएमएस के थ्रू कंप्लेंट भेज सकते हैं, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो ये भी पूछा जाता है बैंकिंग लोकपाल का क्या काम है, तो बैंकिंग लोकपाल का कार्य है ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई और ढलाई के लिए आरबीआई का कौन सा प्रभाग जिम्मेदार है? कहने का मतलब है आरबीआई का कौन सा डिवीजन है जो कि बैंकों नोटों की छपाई का काम करता है या उसकी देखभाल करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको हम लोग कहते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम, इसको हम लोग कहते हैं डीआई, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, BRBNM, प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है इसको। मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC। मौद्रिक नीति समिति का क्या काम है? मौद्रिक नीति का निर्माण करना, तो ये नहीं हो सकता। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण सीधा सीधा लिखा हुआ, तो आंसर क्या हो गया? सी। ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई है 1995 में, 3 फरवरी 1995 को। DICGC का क्या काम है ये भी जान लेते हैं। देखिए, नाम से क्लियर, जमा बीमा, ग्राहकों का जो पैसा बैंकों में जमा है उसका ये बीमा करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि अगर कोई बैंक लॉस में चला जाए या बैंक डूब जाए तो ग्राहक को एक निश्चित धनराशि मिलेगी। बीमा का मतलब क्या होता है? यही होता है कि आपका रिस्क कवर किया जाता है। तो ये क्या है, जो डिपॉजिट किए गए हैं बैंकों में उसको ये कवर करती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपका कितना भी पैसा जमा हो किसी बैंक में, ये 5 लाख रुपये तक का ही बीमा आपको मिलता है, 5 लाख रुपये तक का। अगर आपका किसी भी एक बैंक में मान लीजिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए आपने जमा कर रखे हैं, चाहे FD हो, RD हो, सब मिला करके, और वो बैंक डूब जाता है तो आपको बीमा के रूप में 5 लाख रुपए ही प्राप्त होंगे। यानी 5 लाख रुपए की धनराशि तक बीमा होता है, उससे ऊपर का बीमा नहीं हमको मिलता है, वो कवर हमें प्रदान नहीं करती DICGC। पहले 1 लाख था, अभी हाल ही में बढ़ा के इसको DICGC ने 5 लाख कर दिया। राष्ट्रीय भुगतान निगम या NPCI का काम है इंटर बैंकों के बीच जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको सेटलमेंट करना। जैसे हम लोग किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा, तो ये जो भुगतान है, पेमेंट सेटलमेंट है, इसका जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की, उसके माध्यम से होता है। और ये तीनों के तीनों जो हैं वो RBI के सब्सिडरीज हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को आमतौर पर संदर्भित करने के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है? रिजर्व स्ट्रीट, मिंट एवेन्यू, करेंसी लेन या मिंट स्ट्रीट। इसका सही आंसर है मिंट स्ट्रीट। ध्यान रखिएगा, इसको मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संगठन के साथ सहयोग किया? तो यानी किस संगठन के साथ मिल करके बनाया? ऑप्शंस हैं भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एशियन क्लियरिंग यूनियन ACU, थर्ड है वित्तीय समावेशन के लिए गठबंधन, मौद्रिक नीति समिति।
सही आंसर है भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर के एनपीसीआई का गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा। एक चीज और याद रखिएगा, एनपीसीआई का जो गठन किया गया था वो किया गया था राष्ट्रीय भुगतान निगम का गठन जो है इनके साथ में मिलकर के किया गया, और एक अधिनियम है एनपीसीआई एक्ट 2007 उसके अंतर के तहत इसको गवर्न किया जाता है। आरबीआई द्वारा स्थापित जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम का उद्देश्य क्या है? अभी मैंने बात की आप लोगों को, क्या करता है ये जमाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, रिस्क को कवर करता है कि यदि बैंक डूब जाए तो भी ग्राहक को एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। भारतीय बैंकों को जमा राशि का बीमा प्रदान करना और ऋण सुविधाओं की गारंटी देना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा लेन देन की निगरानी करना और पहला क्रेडिट कार्ड लेन देन को विनियमित करना, तो ये जमा राशि का बीमा प्रदान करता है। और ये याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, किसकी? जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC की। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्ड किन शहरों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था चार शहर हैं जहां से एक एक सदस्य चुन करके आते हैं, चारों महानगर जो शुरू के हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ध्यान रखना क्या पूछा गया है, कौन सा कार्य नहीं है। पहला, यह व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करता है और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। तो देखिए, व्यवसाय को किसी को भी ऋण नहीं देता, इंडिविजुअल डील नहीं करता आरबीआई, तो पहला ये गलत ऑप्शन हो गया हमारा। यह करेंसी नोट जारी करता है, विनिमय करता है और नष्ट कर देता है। ध्यान रखिए कौन सा कार्य नहीं है पूछा गया है ना, क्या पूछा गया, कौन सा कार्य नहीं है? ऋण को सुविधा प्रदान नहीं करता, तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ये कन्फ्यूजन हो जाता। देखिए मैंने भी गलत पढ़ा का कार्य नहीं है, एग्ज़ाम में भी ये गलती होती है। प्रश्न पढ़ते वक्त बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करना आरबीआई नहीं देता, यानी ये वाला काम वो नहीं करता, तो आंसर यही है। करेंसी नोट जारी करता है, ये भी सही है। वित्तीय प्रणाली का नियामक है, ये भी सही है। मुद्रा का प्रबंधन करता, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करता है और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, क्योंकि प्रश्न नकारात्मक है। प्रश्न पूछा गया कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, तो ये आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो है 1 जुलाई से 30 जून। सरकार का जो लेखा वर्ष है, कंपनियों का लेखा वर्ष है या बैंकों का जो लेखा वर्ष है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बैंकों का लेखा वर्ष क्या होता है, वो 1 अप्रैल से होता है 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 जुलाई से 30 जून तक, तो ये सही आंसर होगा। कभी कन्फ्यूजन हो तो ये ध्यान रखिएगा कि सरकार से सारे आंकड़े आरबीआई को प्राप्त हो जाते हैं, बैंकों से सारे आंकड़े मिल जाते हैं, उसके बाद वो अपनी अकाउंटिंग करता है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च किसका है? सरकार का और बैंकों का। आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? थोड़ी देर पहले शुरू मैंने बताया था कलकत्ता में, जिसको ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली 1937 में। अगला प्रश्न है, रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अस्थायी ऋण सुविधा केवल इस शर्त पर देता है कि बैंक अल्पावधि के भीतर प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद लेंगे। यानी कहें कि ये मान लीजिए कि सरकारी सिक्योरिटीज जो होता है अपने पास गिरवी रखता है बैंकों से लेकर के आरबीआई, और उनको लोन देता है और उनको ये कंडीशन रखता है कि विद इन 90 डेज वो इसको वापस खरीद लेंगे और एक निश्चित ब्याज चुकाएंगे, मतलब रीडिस्काउंट करेंगे उसको। ऐसे मान लीजिए 100 रुपये का उन्होंने रखा अगर सिक्योरिटी, और उन्होंने जब वापस उसको ख़रीदने गए तो आरबीआई जो होगा उनको 108 रुपये में देगा वापस, या फिर वो डिस्काउंट पे अगर ले रहा है तो मान लीजिए 8% ले रहा है, तो वो
92 रुपीज़ ही उनको लोन देगा, 8 रुपये लोन नहीं देगा, तो वो RBI का प्रॉफिट हो जाता है। सामान्य शब्दों में ये कहा जाता है कि रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पर RBI बैंकों को लोन देता है, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन ये लोन देने के लिए वो सरकारी प्रतिभूतियां अपने पास गिरवी रखता है गारंटी के रूप में, और ये कंडीशन भी रखता है कि बैंक उसे वापस खरीदेंगे उस ब्याज को चुकाकर। तो बाकी के ऑप्शंस होंगे ही नहीं, बैंकों द्वारा अपने प्रमुख ग्राहकों को दी जाने वाली दर है, इसको नहीं कहेंगे, ये अलग कहलाती, इसको हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट होता है। जैसे हाउसिंग लोन पे अलग रेट होगा, व्हीकल रेट जो होगा व्हीकल लोन के लिए अलग रेट होगा, बिजनेस लोन के लिए अलग रेट होगा। तो बैंक अपने ग्राहकों को अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग ब्याज चार्ज करते हैं। फिर सी, जब किसी बैंक के पास अतिरिक्त नकदी होती है तो नकदी के बदले RBI से प्रतिभूतियाँ इस शर्त के साथ खरीदी जाती हैं कि वे प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित दिन और कीमत पर RBI को दोबारा बेचेंगे। ये भी नहीं, इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट, और ये हमेशा रेपो रेट से कम होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का ये क्वांटिटेटिव टूल है, मात्रात्मक टूल है, संख्यात्मक टूल है, कौन सा, रेपो रेट भी और रिवर्स रेपो रेट भी। तो जब बैंकों के पास नकदी ज़्यादा होती है तो वो RBI में जमा करते हैं, है ना, और उससे प्रतिभूतियाँ ले लेते हैं और उससे कंडीशन रखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद आप इसको वापस खरीद लोगे हमें ब्याज चुका करके। तो और जो रेट होगा ब्याज का वो क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट। और जब RBI बैंकों को पैसा देता है और उनसे प्रतिभूतियां लेता है तो उसे कहेंगे हम लोग रेपो रेट। डी ऑप्शन है, जब किसी बैंक को नकदी की आवश्यकता होती है तो विनिमय बिलों में छूट दे सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। नहीं, इसको रीडिस्काउंट रेट कहते हैं, ये बैंक रेट कहलाता है, है ना, बैंक रेट, ध्यान रखिएगा। बैंक रेट वह रेट होता है जिस रेट पर RBI बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है या उनके लॉन्ग टर्म्स जो बिल्स होते हैं, सरकारी बिल्स होते हैं, उनको रीडिस्काउंट करता है, उसे बैंक रेट कहा जाता है। बैंक नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। 1881 में भारतीयों द्वारा स्थापित पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सही आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। क्योंकि देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में, स्टेट बैंक 1955 में, इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई 1921 में, प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी बैंकों के मर्जर के साथ। तो अवध कमर्शियल बैंक जो है वो 1881 में स्थापित किया गया था। ये जोड़ियां बनाने के लिए भी आ सकता है। खुले बाजार परिचालन लेन देन को निष्पादित करके RBI इनमें से किस कारक को नियंत्रित करता है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि खुला बाजार या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो RBI के पास होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी बॉन्ड्स। मार्केट में जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है, तो उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए RBI क्या चाहता है कि उस पैसे को सक करना चाहता है, खींचना चाहता है, यानी कि मार्केट की लिक्विडिटी को कम करना चाहता है, कैश फ्लो को कम करना चाहता है। तो ये सिक्योरिटीज वो बैंकों को मार्केट को सेल करता है। मार्केट में सभी लोग हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, संस्थाएँ भी हैं, कंपनियाँ भी हैं, कोई भी खरीद सकता है। तो ये सिक्योरिटीज़ वो मार्केट में सेल करता है, बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब ये मार्केट में सेल करेगा तो यहाँ का पैसा जो किसके पास आ गया, RBI के पास। तो मार्केट की लिक्विडिटी कम हो गई, पैसा कम हो गया, क्योंकि उनके पास तो क्या गया, बॉन्ड आ गया। तो देखो यही कहा गया है कि परिचालन लेन देन निष्पादित करके RBI इनमें से किस कारक को नियंत्रित कर रहा, तो लिक्विडिटी को कंट्रोल कर रहा। और लिक्विडिटी क्यों कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसको मुद्रास्फीति कंट्रोल करनी है, महंगाई को कंट्रोल करना है। लोगों के पास पैसा होता है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है जब किसी चीज़ की तो उसकी कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। एक सामान्य नियम है डिमांड का नियम, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होती है तो उस वस्तु या सेवा की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसको लॉ ऑफ डिमांड। अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन से तात्पर्य है कि जब RBI मार्केट की लिक्विडिटी को कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को, सरकारी बॉन्ड को मार्केट में बेचता है और लिक्विडिटी को कम करता है, तो
उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, एक उसका लिक्विडिटी सक करने का, लिक्विडिटी को कम करने का एक टूल है। तो अगर लिक्विडिटी कम होती है, ज़्यादा होती है तो सक करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए लिक्विडिटी कम हो गई है तो विकास को बढ़ावा देने के लिए फिर जो सिक्योरिटीज बेचा है RBI ने उसको भी खरीद लेता है और मार्केट में पैसा इंजेक्ट कर देता है या पैसे को डाल देता है, क्योंकि जब वो खरीदेगा इस सिक्योरिटीज़ को तो फिर पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में। जैसे एक कागज़ सर्टिफिकेट आपसे कोसे किसी ने पैसे के बदले आपने खरीदा, तो पैसा उस व्यक्ति के पास और आपके पास कागज़, लेकिन जब आपने कागज़ उसको वापस दिया और उसने पैसा विथ इंटरेस्ट आपको वापस दिया तो फिर पैसा आपके पास वापस ज़्यादा हो गया। तो लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लिक्विडिटी कम करना होता है तो RBI क्या करता है, सिक्योरिटीज़ बेचता है। और अगर महंगाई जो है बिल्कुल कम हो गई है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मंदी की सिचुएशन आ गई है, तो बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ट्रिगर करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, वो मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करेगा। और भी तरीके हैं मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने को, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक तरीका है। तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, खरीद लेगा। इस पूरी प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अगर एक लाइन में पूछा जाए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो सिंपली RBI मार्केट की लिक्विडिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को मार्केट में खरीदता और बेचता है। यही क्रियाकलाप जो है उसका क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी एवं बिक्री, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI इन द मार्केट इज नॉन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ऑप्शन देख लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की उधार लेने की शक्ति इससे कोई प्रभावित नहीं होगी। देखो, अगर कोई नई बैंक खरीदना चाहेगा तो ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा उसके साथ बैंक RBI के द्वारा। उसकी शक्ति जो है लिक्विडिटी बनी रहेगी, वो मार्केट में लोन दे सकता है, लेकिन मुद्रा स्फीति पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई तो खरीदेगा मार्केट में, जो खरीदेगा तो उसकी लिक्विडिटी कम होगी, वो डिमांड कम करेगा, डिमांड कम होने से प्राइसेस नीचे जाएंगे, ऐसा कंसेप्ट है। अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी। ये माना जाता है कि धन की आपूर्ति अगर ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी और मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। धन की आपूर्ति कम होगी तो डिमांड कम होगी और मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी कम होगी। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, जब RBI नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाएगा तो पहले ये जान लेते हैं कि CRR क्या होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। सभी बैंकों को RBI के पास नकदी के रूप में, ध्यान रखिएगा, RBI के पास नकदी के रूप में अपनी डेली जितना उनके पास, एक वर्ड यूज़ किया जाता है टेक्निकली NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंकों का NDTL रोज़ बदलता है, समझ लीजिए। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है बैंकों की, देखिए बैंकों में जो ग्राहक पैसा जमा करते हैं वो बैंकों के ऊपर लायबिलिटी है, बैंक की जिम्मेदारी है कि वो विथ इंटरेस्ट ब्याज सहित उसको एक दिन ग्राहक को वापस करना होगा, तो ये बैंक की लायबिलिटी होगी। और जो जमाएँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और दूसरी टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होती हैं जिनको हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं, टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट वे होते हैं जिनको एक निश्चित समय के बाद ही हमें निकालना होता है। तो ये दोनों तरह की जो जमाएं हैं और बैंकों के ऊपर क्या है, लायबिलिटी के हैं। रोज़ ये बदलती रहती हैं क्योंकि कुछ लोग नए खाते खोलते हैं, कुछ लोग बंद करते हैं, नया पैसा जमा होता है निकलता है, तो बैंकों का रोज़ NDTL बदलता रहता है। तो डेली बेसिस पे सभी बैंकों को अपने NDTL का एक सर्टेन परसेंट, एक निश्चित प्रतिशत जो होगा, चूँकि RBI डिसाइड करता है, कहाँ रखना पड़ता है, RBI में नगदी के फॉर्म में जमा करना पड़ता है, नगदी के फॉर्म में डेली बेसिस पे, उसी को कहा जाता है CRR। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक तरह कंपलसरी है, कोई भी बैंक इसको अवॉइड नहीं कर सकता। डेली बेसिस पे अपने NDTL का एक
निश्चित प्रतिशत भाग जो है वो आरबीआई में जमा करना पड़ता है। अब अगर सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, मान लीजिए 4% और सीआरआर को बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब ये है कि बैंकों को ज़्यादा नकदी आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा नकदी आरबीआई के पास रखना पड़ेगा तो इसका मतलब बैंकों को लोन देने के लिए पैसे की कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास 10,000 करोड़ की नकदी है और आरबीआई ने ये कहा कि आपको 4% सीआरआर रखा हुआ है, 10,000 करोड़ का 4% जो है उसको कहाँ रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास, है ना। अब अगर इसको बढ़ा दिया जाए, 8% कर दिया जाए, तो 10,000 का 8% उसको रखना पड़ेगा, यानी उसके पास नकदी की कमी हो जाएगी। तो नकदी की कमी हो जाएगी तो लोन देने की जो उसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी, मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति वो कम कर पाएगा, यानी मुद्रा की वजह हम कहेंगे क्रेडिट की आपूर्ति कम कर पाएगा, लोन कम दे पाएगा। तो पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति वृद्धि होगी, शुरुआत में आपूर्ति बढ़ेगी लेकिन बाद में स्वचालित रूप से कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या मुद्रा आपूर्ति से मतलब मनी सप्लाई। देखिए, जब बढ़ाएंगे सीआरआर को तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि बैंकों को एक ज़्यादा परसेंट भाग जो होगा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही, मनी सप्लाई में कमी हो जाएगी अगर सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो। और ये भी याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इफ़ेक्टिव टूल है, सबसे प्रभावशाली ये उपाय है, तुरंत प्रभाव देखने को मिलता है। अगर रात शाम को आरबीआई ने बढ़ाया तो अगले दिन से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। केनरा बैंक इसका उदाहरण है, मतलब किस प्रकार का बैंक है, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक, विदेशी बैंक, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा ये सार्वजनिक बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है। बैंकिंग क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हम लोग जानते हैं तीन क्षेत्र होते हैं जिनको हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी कहते हैं। प्राथमिक यानी कृषि, द्वितीयक यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उद्योग धंधे, और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र है, जो है सेवा में क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंकिंग। जितनी भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, इस सब के टूरिज्म हो गया, ये सब के सब सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। ये किस में आएगा? सेकेंडरी में। ये भी सेकेंडरी का पार्ट है, इनमें से कोई नहीं। ये आंसर सही है, सेवा क्षेत्र। अंतिम उपाय का ऋणदाता किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में वर्ड कभी कभी हिंदी में ही लिख दिया जाता है, किसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। सामान्यतः किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक, यानी जैसे भारत के केस में आरबीआई है, उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बैंकों को कहीं से लोन नहीं मिल रहा होता, बैंकों की संकट में होते हैं, बैंक क्राइसिस का सामना फेस कर रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में आरबीआई उन्हें धन उपलब्ध कराता है, लोन उपलब्ध कराता है, पैसा उपलब्ध कराता है, इसीलिए उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, कर्ज का अंतिम आश्रयदाता। जब कहीं भी से कर्ज बैंकों को नहीं मिल रहा होगा तो आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करेगा, बैंकों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन। जब भी सरकार कर्ज राहत की घोषणा करती है तो इसका खामियाजा आरबीआई को भुगतना पड़ता है? नहीं। यदि कोई व्यक्ति या फर्म जो ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे किसी वाणिज्यिक बैंक से ऋण नहीं मिलता है, तो वह ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकता है। पहली बात तो ये बात दिमाग में रख लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो आरबीआई में डील नहीं कर सकता, उसका खाता नहीं खोल सकता है, सिवाय कुछ लोगों के जो आरबीआई के खुद के एम्प्लॉयज़ हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका खाता होता है इसमें, बाकी किसी इंडिविजुअल फॉर्म का नहीं होता, बैंकों का होता है। यदि राज्य सरकारें संकट में हैं और उन्हें अल्पावधि के लिए धन की आवश्यकता है तो वे इस उद्देश्य के लिए आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी नहीं कहेंगे। यदि कोई वाणिज्यिक बैंक संकट में है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक से रिसॉर्ट की मांग, रिसॉर्ट का मतलब होता है
आश्रय लेना, ऋण के लिए वो किसके आश्रय कर लेंगे, आरबीआई का आश्रय लेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे, रिजर्व बैंक से ऋण की उचित मांग रख सकता है, कर सकते हैं, और इसीलिए उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये डी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बैंकों को कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा होता है, पैसा नहीं मिल रहा होता है, तो वो आरबीआई से लेते हैं और आरबीआई उन्हें देता है। मौद्रिक नीति का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण किसे कहा जाता है? जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, खुले बाजार का संचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ओपीएम, छूट दर, डिस्काउंट रेट, नोट जारी करना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है खुले बाजार का संचालन। रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को आरबीआई जो होता है वो सेल करता है मार्केट में और बाइंग भी करता है। एनबीएफसी का मतलब क्या है, यानी पूरा नाम क्या है? तो एनबीएफसी का पूरा नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ध्यान रखिएगा, कंपनीज है न कि, या कंपनी न कि कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन भी लिख के देते हैं, हिंदी में कहेंगे गैर वित्त बैंकिंग वित्तीय कंपनी। उदाहरण के लिए वे कंपनियां जो बैंकों के कुछ कार्य करती हैं लेकिन वो पूरी तरह से बैंकिंग की जो परिभाषा उस पर वो खरी नहीं उतरती। जैसे अगर आप कहेंगे मन्नापुरम गोल्ड लोन हो गया, है ना, बजाज फाइनेंस हो गया, ये लोग कुछ काम बैंकों के करते हैं, जैसे कि ये लोग लोन वगैरह देते हैं, गोल्ड लोन, जैसे मन्नापुरम गोल्ड लोन देता है, बैंकिंग फाइनेंस भी, बजाज फाइनेंस जो है वो आपको लोन देते हैं कुछ, लेकिन सारे लोन वो नहीं दे सकते। ठीक है, बैंकिंग की कुछ खास फीचर्स हैं जो वो उपलब्ध नहीं कराते, जैसे कि वो सेविंग जो डिपॉजिट्स होते हैं वो खाता नहीं खोल सकते। जो एनबीएफसीज हैं उनको अलाउ नहीं है कि वो बचत बैंक खाता खोलें। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस ये काम नहीं कर सकता, मन्नापुरम गोल्ड लोन जो देता है वो ये काम नहीं कर सकता, और भी इस तरह के हैं। लेकिन वो बैंकिंग के लोन तो देते हैं, प्राइवेट लोन देते हैं, आप कोई अप्लायंस ख़रीदने जा रहे हैं तो बजाज फाइनेंस के थ्रू आप करवा सकते हैं, व्हीकल लोन भी वो लोग देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो बैंकों के कुछ कार्य करती हैं लेकिन जो मुख्य कार्य है जमाओं को स्वीकार करना, है ना, खासतौर पर सेविंग डिपॉजिट जो होते हैं उनको वो स्वीकार नहीं कर सकते, आपको चेकबुक जारी नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड तो इशू करते हैं, डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, सॉरी, क्रेडिट कार्ड तो आप जानते हैं कि बजाज इशू करता है, डेबिट कार्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास जमाएँ नहीं हैं, वो जमाओं को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो डेबिट कार्ड जारी करने का उनको अधिकार नहीं है, चेकबुक इशू करने का अधिकार उनको नहीं है, लेकिन आरबीआई उन्हें भी कंट्रोल करता है। कभी ये पूछा जाए एनबीएफसीज को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर आरबीआई ही होगा। एक वाणिज्यिक बैंक की प्राथमिक गतिविधि या क्रियाकलाप क्या है? चालू खातों सहित जमा खाते बनाए रखना, बिल्कुल सही, चालू खाते यानी करंट अकाउंट, जमा खाते यानी डिपॉजिट जो सेविंग अकाउंट होते हैं, चेक जारी करना और भुगतान करना बैंक के ग्राहकों के लिए, चेक एकत्र करें, इसी से जुड़ा हुआ ये भी है, देखिए अगर खाते ओपन किए जाएंगे तो चेक भी जारी किए जाएंगे, चेक पैसा है तो भुगतान भी करना पड़ेगा, ग्राहकों के चेक भी लेने पड़ेंगे, तो सही आंसर होगा ये सभी। अब ये जान लेते हैं कि बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या होता है, केवल दो कार्य हैं ना, जमाओं को स्वीकार करना, जमाओं को स्वीकार करना यानी कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। वो डिपॉजिट्स दो तरह से होते हैं, हम लोग जानते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी जब पैसा हम चाहें जमा करें, जब चाहें निकाल लें, जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है हमारा। डिमांड डिपॉजिट एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट होता है और रिकरिंग डिपॉजिट होता है, एक निश्चित समय के लिए उसको जमा करना पड़ता है। और दूसरा होता है लोन देना या ऋण देना। ये दो काम जो हैं इससे संबंधित जो भी कार्य होंगे वो प्राथमिक कार्य हैं, इसके अलावा बैंक जो भी काम करते हैं वो सबका सब सेकेंडरी काम है, है ना, याद रखिए, इसके अलावा बैंक जो भी काम करते हैं वो सबका सब सेकेंडरी कार्य है। आप बोलोगे सर चेक जारी करना, जमाएं लिया है तभी तो चेक जारी कर रहे हैं ना। अब आप पूछेंगे सर सेकेंडरी काम में और क्या हो सकता है? आप देखते हैं कभी कभी गवर्नमेंट पॉइंट्स सेल करवाती है बैंकों के माध्यम से, वो भी सेकेंडरी काम है। कई बार इंश्योरेंस सेल करवाते हैं बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनीज का टाई अप होता है और वो इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस को बैंकों की ब्रांच के माध्यम से सेल करती हैं बैंक, तो क्या है वो सेकेंडरी कार्य, द्वितीय कार्य।
इन दो कार्यों को छोड़ करके सभी कार्य बैंकों जो भी आ जाए वो सब द्वितीय कार्यों का, बस ध्यान रखना कि इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में रिलेटेड दे दिया गया, चेक जारी करना जमाओं से रिलेटेड है, आपके पास डिपॉजिट है तभी आपको चेक मिलेगा, उसका चेक को एकत्र करना, डिपॉजिट किया है आपने तभी तो आप चेक को बैंक को दे रहे हैं, अब उसको एक्सेप्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस जो बैंक बेचते हैं उनको ध्यान रखिएगा, बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस, ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कभी, बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं BANCA इंश्योरेंस, बैंक का इंश्योरेंस वे इंश्योरेंस हैं जो बैंक शाखाओं के माध्यम से बेचे जाते हैं, लेकिन वो होते किसके हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के होते हैं। तो सही आंसर है ये सभी। किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश की थी, हिल्टन यंग कमीशन, शुरू में ही मैंने बताया था 1926 में इसका गठन हुआ था, इसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। रॉयल कमीशन ऑन करेंसी, तो अगर ऑप्शन में रॉयल कमीशन ऑन करेंसी हो तो भी आंसर वही होगा। हिल्टन यंग उसके चेयरमैन थे, इसीलिए इस कमेटी, जनरली हम जानते हैं कि जो चेयरमैन होता है उसी के नाम से कमीशन को जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में खालिस्तान करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी, शुरू में मैंने आपको बताया था 5 करोड़ की पूंजी के साथ, और अधिकांश शेयर जो थे वो निजी हाथों में थे, अधिकांश शेयर निजी लोगों के पास थे, यानी प्राइवेट लोगों के पास, इसीलिए मूलतः यह एक प्राइवेट बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। 6 जुलाई 2005 को भारतीय रिजर्व बैंक ने खालिस्तान नामक एक नए विभाग का गठन वित्तीय बाजारों पर निगरानी के लिए किया गया था, वित्तीय शेयर बाजार विभाग, वित्तीय बाजार विभाग, वित्तीय पूंजी बाजार विभाग, वित्तीय व्यापार बाजार विभाग, इसका सही आंसर है वित्तीय बाजार विभाग। उस समय अगर आप लोगों को याद हो तो उस समय जो था मार्केट में प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, अमेरिका में उस समय हाउस बबल चल रहा था एक तरह का, 2005-06-07 में जाकर के वो कल्मिनेट हो गया, यानी अपनी चरम गति को प्राप्त हो गया, मंदी जैसा माहौल हो गया था अमेरिका में, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ के मार्केट पे भी देखने को पड़ा था, इसीलिए RBI ने एक अलग से वित्तीय बाजार डिवीजन क्रिएट कर दिया था, डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस वर्ष स्थापित की गई, तो 1995 में, ये भी एक प्रश्न भी मैंने बताया है 3 फरवरी, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया, मतलब उसका ये सब्सिडरी है, इसका मुख्य काम है बैंक नोट छापना। जनवरी 1938 में RBI द्वारा जारी किया गया पहला नोट कौन सा मूल्य वर्ग का नोट था, तो याद रखिएगा 5 रुपए का नोट था, और इस पर उस समय के किंग जॉर्ज 6 का पोर्ट्रेट बना हुआ था, का चित्र बना हुआ था, इसका था जॉर्ज 6 का, तो ये ध्यान रखना है। पहला नोट जो RBI ने स्थापना के बाद जारी किया वो था ₹5 1938 में। रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सबसे शुरू में मैंने बताया केंद्र सरकार के द्वारा। DICGC RBI के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में से एक है, DICGC का पूर्ण नाम है, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1978 में हुई, और ये 5 लाख रुपए तक, कितना 5 लाख रुपए तक का बीमा देता है जमाओं, ध्यान रखिए किसका, जमाओं पे, यानी जो डिपॉजिट्स हैं लोगों के, अगर बैंक डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तक ये भरपाई करेगा, उसके ऊपर की भरपाई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, अलग से इंश्योरेंस नहीं देता ये, जैसे आप सोचते हैं LIC है या और कोई है,
बल्कि ये क्या करता है, जो पैसा हम जमा करते हैं बैंकों में उसको कवर प्रदान करता है, रिस्क कवर करता है। अगर बैंक डूब गया तो वो पैसा आपको ये देगा। लेकिन अगर आपकी जमाएं 5 लाख से ज़्यादा हैं किसी बैंक में तो 5 लाख तक ही मिलेगा, ऊपर के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और अगर मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख ही मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा। ये जमाओं के रिस्क को कवर करता है। आरबीआई किसके मार्गदर्शन में वित्तीय परीक्षण का कार्य करता है? कहने का मतलब है आरबीआई का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट या डिवीज़न है जो ये वित्तीय परीक्षण का कार्य करता है। पहला है आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, दूसरा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, तीसरा मौद्रिक नीति विभाग और वित्तीय स्थिरता इकाई। इसका सही आंसर है वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, ये ध्यान रखिए, BFS, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। आरबीआई किस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक आध बार पूछा गया है किस वर्ष से ये आया था। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? गतिरोध स्थिरता, स्टेबल स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति कम करना, रिड्यूस इन्फ्लेशन, मनी सर्कुलेशन। मूल स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, आंसर हो जाएगा मूल स्थिरता। देखिए मुद्रा स्फीति करना, उसकी आप कहोगे देखा और तुरंत टिक कर दिया। अगर ऑप्शन में एक से ज़्यादा को इंक्लूड किया जाता किसी ऑप्शन में तो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते थे। मुख्य उद्देश्य जो होता है उसका मुद्रा स्फीति का, वो होता है मुद्रा स्फीति को कम करना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। तो मूल स्थिरता बनेगी तभी, यानी मूल्य ना तो बहुत कम हो और ना बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादा हो जाएंगे तो महंगाई यानी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, कम हो जाएंगे तो मंदी का दौर चालू हो जाएगा क्योंकि उस वक्त कोई भी प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा। तो मूल्य स्थिरता बनाना ही मुद्रास्फीति का प्रमुख उद्देश्य है। तो सही आंसर क्या होगा? मूल्य स्थिरता। इसीलिए कभी भी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा चारों विकल्प या चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि वो इस तरह से एक सही आंसर दे करके आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आरबीआई या उससे रिलेटेड थे। अगले क्लास में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं और उससे संबंधित जो कंसेप्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जाते जाते एक प्रश्न आप लोगों के लिए पूछना, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का वह कौन सा बैंक है जिसे महात्मा गांधी का बचत खाता मेंटेन करने का गौरव प्राप्त हुआ? ध्यान रखिए, भारत का वह कौन सा बैंक है जिसे महात्मा गांधी का बचत खाता, सेविंग अकाउंट मेंटेन करने का गौरव है उस बैंक के पास? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, नहीं तो अगले क्लास में इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।